जिसके बारे में मैंने बताया था 10K सेलिब्रेशन वाले वीडियो में। तो यही है मेरी सिस्टर ईसा। हाय गाइस। i20 कार बहुत मेंटेन किया एंड कार का इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ आ रहा है, चलाने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत स्मूथ कार है। काफी ज्यादा धूप है। इट्स नॉट एनर्जी ड्रिंक, आई वुड से इट्स एनर्जी मील। तो वो जो मैं डाल रहा था ना, वो मेरा मैक्सिमम स्पीड था, मैं अपना फुल एफर्ट से डाल रहा था। तो आप लोग बता सकते हो कितना लगता है, कितना है मेरा फुल स्पीड? ब्लॉग में देखा था मैंने, थोड़ा हिटिंग का प्रैक्टिस किया था, तो आज मैं थोड़ा 1 2 3 हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। तो आज है राखी, तो ग्राउंड जाने से पहले राखी बंधवाते हैं। तो अभी सुबह का 7 बजने वाला है, जल्दी उठ के नहा लिए है। सुबह 7:07 तक का मुहूर्त है, ठीक है? तो अभी हम लोग के पास 10-15 मिनट है, 10-15 मिनट के अंदर राखी बंधवाते हैं। तो 7:07 का लास्ट मुहूर्त था, देख सकते हैं 7:07 हो चुका है। उससे पहले ही हम लोग राखी का प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मुहूर्त से पहले कंप्लीट हो गया है। तो गिफ्ट ले लिए थे, गिफ्ट डिक्की के अंदर है, गिफ्ट निकाल लेते हैं। तो ये रहा गिफ्ट टू माय सिस्टर ईसा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, ये गिफ्ट है तुम्हारा, और बाकी अकाउंट में 2-3 लाख रुपए भेज दिया, ठीक है? गजब बेइज्जती है। तो रक्षाबंधन का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो यही है मेरी सिस्टर ईसा। हाय गाइस। इसके बारे में मैंने बताया था 10K सेलिब्रेशन वाले वीडियो में। सो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरा नाम महेश और हम लोग भाई है सुरेश और ये है ईसा, तो 3 जने हम लोग। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सुरेश नहीं है यहाँ पे, वो उसका जॉब लग गया है, तो वो धनबाद में है, उसका MRF में जॉब है, तो उसको राखी बहन भेज दी थी ना तुम? हाँ, तो उसको राखी भेज दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग अपने साथ में राखी नहीं बनाया, बट ठीक है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, काम आता है, तो ये सब चीज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आर यू मिसिंग हिम? यस ब्रो। ओके, तो फिर अभी रक्षाबंधन का प्रोग्राम कम्प्लीट हो चुका है, अब उसके बाद जाएंगे ग्राउंड, फिर आप लोग से मिलते हैं। 2 hours later सो जस्ट रीच द ग्राउंड। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हर दिन का ग्राउंड का व्यू। ये रहा आज का ग्राउंड का व्यू, और ये रहा हमारा नेट्स का व्यू। रूम खोल देते हैं, रूम खोल के चलते हैं अंदर सामान लेने। तो ये रहा हमारा सामान, स्टम्प्स, झाड़ू और अम्ब्रेला स्टैंड। तो देख सकते हो सामान ले लिया है, और अभी आने वाले कुछ टाइम पे ना मैं ऐसा सेटअप करूंगा कि मैं यहाँ का रूम में अपना एटलीस्ट 2 चेयर ऐड कर दूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा चेयर। तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, सनस्क्रीन लगा लेते हैं, और कुछ देर में स्टार्ट करेंगे आज का जो। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टास्क ऑफ द डे, अंकुर का बैटिंग। लास्ट 2 ब्लॉग जो आपने देखा था उसमें जो मैं डाल रहा था पहला बैट तुमको विशाल को, तो वो जो मैं डाल रहा था वो मेरा मैक्सिमम स्पीड था, मैं अपना फुल एफर्ट से डाल रहा था। तो आपने अगर वो ब्लॉग देखा था तो आप लोग बता सकते हो कितना लगता है, कितना है मेरा फुल स्पीड? फॉर ब्रेक देख सकते हो टाटा ग्लूको तो बहुत पिया मैंने, लेकिन ये ना टाटा ग्लूको जेली एनर्जी ड्रिंक है, ये पहली बार पी रहा हूँ, देखते हैं क्या सीन है इसका। देख सकते हो पूरा जेली टाइप है, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट ए एनर्जी ड्रिंक, आई वुड से इट्स एनर्जी मील, बिकॉज लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जेली है। तो देख सकते हो अंकित कार लेकर क्या है, और अभी मैं अंकित का कार चलाऊंगा i20। तो आज रक्षाबंधन है, वैसे ही बहुत स्पेशल डे है, लेकिन मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल और मेमोरेबल डे होने वाला है, क्योंकि आज रक्षाबंधन 2023 को मैं पहली बार कार चलाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, देख सकते हो आपका भाई गाड़ी चला रहा है, एंड फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग इन दिस ब्लॉग। तो बढ़िया,
गुड गुड मैं एक्सीलेटर भी कंट्रोल करना सीख गया भाई। हेवी रोल ये सीधा ना। हाँ ये गुड गुड महेश गुड। बहुत सुंदर महेश बहुत सुंदर। अभी तो ये तो वो कर दिया ना उसके लिए बना दिया। तो बहुत स्मूथ कार है गाइस, बहुत मजा आ रहा है चलाने में। अब देख सकते हो अच्छी खासी स्पीड में चला रहा हूँ। अब देखेंगे मुझे टर्न लेते हुए। देखिए क्या बोल रहा है, कार बहुत मेंटेन किया एंड कार का इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ आ रहा है चलाने में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत स्मूथ कार है एंड सही है यार। एंड जैसा मौसम है बारिश वारिश में तो कार होना बहुत जरूरी है। सो गाइस जैसा कि देखा आपने, मैंने आपको दिखाया एंड लिटरली प्रॉपरली आज मैंने फर्स्ट टाइम कार चलाया और बहुत अच्छे तरह से गाइड किया। देख सकते हो तन्मय थैंक्स ब्रो। और अंकित, अंकित का ये i20 कार है, काफी स्मूथ कार जैसे कि मैंने बताया चलाते वक्त। एंड नाउ द नेक्स्ट बैट्समैन इज आयुष। इसका 50-50 है, यानी कि 50% करेगा साइड एंड 50% करेगा स्पिन। सो बैक आफ्टर द ब्रेक, लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, लिवरेज का है ना? हाँ, अमेजोन से मंगाया। सही है, कितना पड़ा यार? सही है हाँ, बट ठीक है, लगभग जो है ना चलेगा, उतना दिन नहीं चलेगा बट सही है, चल जाएगा। इसका फिर क्या करना है ना, कितना दिन चलेगा चलेगा, फिर इसका कब मंगाना कब, ठीक है कब डायरेक्ट मंगाना तो अच्छा है, चल जाएगा तेरा। लेकिन दिखा रहा मेरा भी मंगाया था, यही तो मंगाया था। इसका हाफ साइड आर्म सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हाफ सेशन इसका स्पिन है, ठीक है चल। तो अब बचा है लास्ट टू टास्क ऑफ द डे, उसके बाद करेंगे लंच। तो अभी प्रदीप आ चुका है, उसको करेंगे स्पिन, उसके बाद थोड़ा बैटिंग हम भी करेंगे, ठीक है। प्रदीप आ गया, रेडी हो रहा है, प्रदीप का स्पिन सेशन है भाई। चैलेंज रहेगा, आउट हुआ तो बाहर, ठीक है ना? चल परफेक्ट, दैट्स योर लेग। प्रदीप का चैलेंज है 36 बॉल उसको डालेंगे 6 ओवर, 6 ओवर में अगर एक बार भी आउट होता है तो बाहर। चल स्लिप है, हाँ सेकेंड स्लिप, पावर प्ले। तो लिटरली थका दिया प्रदीप ने, चैलेंज जीत लिया है, आउट नहीं हुआ। हालांकि बहुत बार चांसेस क्रिएट हुआ बट आउट नहीं हुआ। हाँ तो तुम बच गया प्रदीप, क्या बोलना चाहिए, चैलेंज जीत गया? क्या बोलेंगे, अच्छा से खेलेंगे तो चैलेंज तो जीतेंगे। अबे हम डाले नहीं वैसा, समझा? नहीं नहीं, वेल प्लेड वेल प्लेड, अच्छा खेला, पूरा ट्राई किया बट आउट नहीं हुआ।
और यशमुखी, यशमुखी क्या है तेरा, क्या करने है? कुछ नहीं है, बैटिंग ड्रिल करेंगे। ड्रिल करेगा? अरे बाप रे, तेरे हाथ में राखी तो बहुत दिख रहा है, दिखा दिखा कितना डो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिख रहा है, 9 है। एक घर पे खोल दिए। बाप रे, 10 जन आज तुम पूरा लूट गया होगा। अभी ब्रेक है, उसके थोड़ी देर बाद मेरा बैटिंग होगा। सो नाउ द लास्ट टास्क, मेरा बैटिंग। तो लास्ट व्लॉग में देखा था मैंने थोड़ा हिटिंग का प्रैक्टिस किया था, तो आज मैं थोड़ा सा फ्रंट फुट डिफेंस का प्रैक्टिस करूंगा और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रंट फुट ड्राइव, ठीक है? तो पहले फ्रंट फुट डिफेंस, चलो। सो डन फॉर द डे, एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर ऑल द टास्क ऑफ द डे। अब देख सकते हो जा रहे हैं सामान रूम में रखने, ठीक है? उसके बाद जाएंगे लंच करने, ठीक है? लंच करने के बाद करेंगे प्रदीप का रूम में थोड़ा रेस्ट, और उसके बाद जाएंगे कवर ड्राइव बच्चे लोग के पास। तो रूम आ चुके हैं और यहीं से सामान उठाए थे और यहीं पर वापस रख दिए। अभी देखिए लास्ट में मौसम पूरा चेंज हो गया, अच्छा वेदर कर दिया, एकदम छांव है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, practice well and yes, perform at the right place. Goodbye, take care, stay safe.